दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज लंबी दलीलें चली। दोपहर करीब 12:30 बजे इस मामले में दलीलें देने का काम शुरू हुआ। उसके बाद भोजन अवकाश में 1 घंटे के लिए काम रुका। उसके बाद ईडी की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अब दोनों को कहा है कि वो कल दोपहर तक अपनी लिखित में दलीलें भी दे सकते हैं, यानी गुरुवार दोपहर तक वो लिखित में अपने अगर कोई आर्ग्यूमेंट रह गई है तो वो दे सकते हैं और उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में ये लग रहा है कि अब सोमवार तक इस मामले में, यानी इस हफ्ते तो मामले का फैसला आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल तक गुरुवार तक अगर दलीलें देंगे तो उसके बाद कोर्ट अपना फैसला लिखेगी और कोर्ट को जजमेंट लिखने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। आज की दलीलें बहुत खास रही। खास तौर पर ईडी ने आज बहुत ही संगीन आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। ईडी ने पहली बार आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में, एक तरह से ये कहा जाए कि ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में घसीट लिया और ये कहा कि ईडी के मामलों में, यानी पीएमएलए के मामलों में आम तौर पर किसी कंपनी के खिलाफ ही पीएमएलए की कार्रवाई की जा सकती है। तो ईडी ने इस पर दलील दी कि आम आदमी पार्टी को एक एसोसिएशन ऑफ पीपल्स के तौर पर देखा जाना चाहिए और सारा जो क्राइम की प्रोसीडिंग थी वो आम आदमी पार्टी के लिए ही इस्तेमाल हुई। गोवा के चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, इसलिए पूरी बेनिफिशियरी जो थी वो आम आदमी पार्टी थी, इसीलिए वो पीएमएलए कानून में जिस जो कंपनी की अवधारणा है उसमें आम आदमी पार्टी को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी लोगों का समूह है जिनका गठन इसी कारण हुआ था जिसमें इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल, जो क्राइम प्रोसीडिंग था उसका इस्तेमाल चुनाव के काम में किया। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया तो फिर आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य, यानी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। आंदोलन से उपजी एक पार्टी जिसने बहुत ही कम साल में 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई, दिल्ली और पंजाब में, अब उसके अस्तित्व पर सवाल उठता दिखाई दे रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर भी कई सवाल उठाए। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल की सीधी जिम्मेदारी बनती है। जो क्राइम प्रोसीडिंग आई वो सब उनकी जानकारी में था और इस कई तरह के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी किसी सेना की गाड़ी को उड़ा दे और वो आतंकवादी कोई राजनेता भी हो तो वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि चुनाव है मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस बात पर काफी आपत्ति अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने उठाई और उन्होंने कहा कि इस तरीके के उदाहरण देना शोभा नहीं देता। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके की बातें करना और ऐसे उदाहरण देना निश्चित तौर पर बहुत खराब है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलीलें दी गई कि ईडी के पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके घर से कोई बरामदगी नहीं की गई। इस पर ईडी ने कहा कि बरामदगी कैसे की जाती, क्योंकि पैसा तो चुनाव में खर्च हो गया था। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो गवाहों के बयान आए उसमें शुरुआत में उन्होंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बाद में ईडी ने उन्हें डराया, धमकाया, उनको जमानत दी और उसके बाद उन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ बयान दिए। शुरू के बयानों में किसी ने भी नाम नहीं लिया था। एक और बात उन्होंने बोली कि उन जो जिन लोगों ने बयान दिया सरकारी गवाह बने, उनमें से एक जो है वो अब चुनाव लड़ रहे हैं सत्ताधारी दल के सहयोग से, और इसके अलावा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इश्यू भी उठाया गया। ये तमाम दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई और ईडी की तरफ से भी काफ़ी जोरदार दलीलें इस मामले में रखी गई। 2 ही वकीलों ने दलील रखी, ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने और अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट का फैसला सुरक्षित हो गया है। कोर्ट का फैसला आने में कुछ दिन इंतजार करना होगा और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर इस मामले के सह आरोपियों को जमानत नहीं मिली है तो इसका ये मतलब कतई नहीं हो सकता कि वो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज ना कर सके, और उनके पास पूरा अधिकार है अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने का। और ये भी कहा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक मामला है, चुनाव को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है डेमोक्रेसी में, उसे खत्म करने की ये कोशिश की गई है ताकि वो चुनाव में हिस्सा ना ले सके। लेकिन ईडी का इस पर साफ ये दलील थी कि अगर कोई अपराध होता है तो उस मामले में गिरफ्तारी होगी। कोई भी राजनेता अगर वो अपराध में शामिल है तो वो ये दलील नहीं दे सकता कि चूंकि मैंने चुनाव लड़ना है इसलिए मुझे गिरफ्तारी से छूट दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। अब अगले कुछ दिनों में कोर्ट का यह फैसला सामने आएगा, जिसके बाद ये हाईकोर्ट के आदेश से पता चलेगा कि इस गिरफ्तारी को हाईकोर्ट वैध मानता है या फिर इसे अवैध करार देता है।